Thank you.
बच्चे निकाल लेते हैं। जैसे जब उनको नहीं मिलता है डिब्बों में चम्मच पड़ा होता है, वो फटाफट क्या करते हैं, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं और वो फटाफट डिब्बे में से निकाल लेते हैं। तो मेरे को बस फिर बार बार मेरे को डालना ही पड़ता है, ये सब ऐसे ही करते रहते हैं। अब मैंने डाली थी नमक, ठीक है, और नमक के अनुसार जितना जैसे आटा मतलब आपका होगा उसी हिसाब से नमक डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर इसमें जीरा भी थोड़ा सा डालते हैं ना हल्का सा, तो मतलब चुटकी, एक चुटकी जीरा, और तो ऐसे परोठा कैसे बनाती हूँ, जैसे मैं आटा मतलब ओनली मतलब मैं किसी चीज़ के और मतलब आलू सालू के नहीं है, ओनली मैं खाली आटा के बना मतलब बना रही हूँ, कोई चीज़ नहीं डालूंगी। बस ये भी अच्छे लगते हैं परोठा, स्वादिष्ट लगते हैं, अच्छा बनाओ और अच्छा लगता है। जिनका डर था वही आ गए। खाने वाले आ गए, मेरा पराठा मेरा खाना बनके तैयार नहीं हुआ। तो मैंने देखो ऐसे करी, इतना बड़ा रोटी जैसा बना ली हूँ, ये जरूर बना लीजिएगा, अच्छा बनेगा खाने इसके बाद में। ये वैसे मैंने क्या किया ना, मेरे को जल्दी थी ना, तभी मैंने क्या किया, आटा तुरंत मार के तुरंत ही मैं बनाने लगी हूँ। वैसे कभी भी मैं रोटी बनाती हूँ, जैसे रोटी कभी भी रोटी जब बनाती हूँ तो मैं आटा में गूंद के रख लेती हूँ कम से कम नहीं तो 10 मिनट के लिए। रोटी बहुत ही अच्छी बनती है आटा गूंद के रखने से, और ऐसे तुरंत बनाने लगो ना तब उतना अच्छा रोटी नहीं बनती है। मतलब थोड़ा आटा जब ना कितना भी गूंदो फिर भी मतलब थोड़ा रोटी इधर उधर फटाफटा जैसा हो जाता है, और अगर अच्छा आटा गूंदा होगा तो मतलब देर का थोड़ा रखा हुआ वो आटा गूंदा होगा तो वो जो है ना बढ़िया होगा। तो मेरा परोठा देख लीजिए आप, पूरा फूलेगा ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी ये देखो ऐसी करके झांसी लगा के ये करो। फूल गया है, अच्छा फूला है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ पराठा दोस्तों, ये देख लो ऐसे बनते हैं, ऐसे बनाते हैं। बस कमी वही रह गई, मैंने थोड़ी देर आटा गूंद के नहीं रखी हूँ, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो और भी मतलब ये साइड में कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना आपको थोड़ा फटाफटा, तो ये नहीं रहता क्योंकि आप जल्दी जल्दी पूरा काम में करके आई ना, इधर से उधर मतलब थोड़ा किया हो ना तो दूर मेरा बच गया अभी निकलते निकलते थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान मेरा इधर था और तीन चार तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपसे बात भी कर रही हूँ, नहीं तो नहीं निकलता, थोड़ा भी नहीं निकलता। चलो कोई नहीं, थोड़ा ही निकला बिल्कुल थोड़ा सा। ऐसे बनाइएगा, टेस्टी लगेगा और आपके बच्चे भी खाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से खाएंगे, मन से खाएंगे। आप कहाँ मतलब कैसे बनाते हो ना, कैसे नहीं मुझे नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ जैसे रोटी के जैसे बनाते हो, वो पराठा इतना अच्छा नहीं बनता, देख लीजिए है कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप मतलब खा के जब देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, आप तो बोलोगे कि हाँ ऐसे खा के देखोगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, क्योंकि ऐसे बनाओ और बिल्कुल नरम रहता है, एकदम नरम, जैसे क्या बोलूँ बिल्कुल नरम, ये नहीं लगेगा कि मतलब अगर हॉट पॉट में थोड़ी देर तक रख दिया हॉट पॉट में तो फिर ये बिल्कुल
जैसे रुई नहीं होता उस तरह होगा, इतना नरम पराठा। तो दोस्तों ना बोलूँ कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया है 8 बजने वाले। 8 बजने वाले हैं, मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ, 8 बजने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नाश्ता के लिए, आ चुके हैं तो उसको मेरे को फटाक देना है। ये देखो परोठा और गरम गरम चाय और परोठा बस, और कितना मतलब इतना अच्छा लगेगा खाने में। तो एक बात मैं और आपको बताऊंगी, रुक जाओ थोड़ा टाइम, मतलब क्योंकि मैं इसमें भी बिजी हूँ और मैं लेट बनाऊंगी। एक आटा है ना उसके, हाँ मेरे को रोटी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। वो आटा आटा मतलब सब अलग अलग का आता है, तो वही आटा मैं मंगाती हूँ। पर आपकी मेरा हस्बैंड लेके आया ना, वो आटा मिला नहीं। देख लीजिए बनाई हूँ मैं ये परोठा, ये देखो बहुत ही नरम नरम, बिल्कुल नरम नरम परोठा है, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए एकदम, जैसे लग रहा है ना मेरे को तो जैसे ना, अगर बना कोई बना दे तो मैं गरम गरम खा लूँ, और बोलते अपने हाथ का बना हुआ उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। पर तारीफ हुई जब अच्छा लगता है, जब कोई दूसरा तारीफ करता है, और मैं तो खुद भी खुद ही ऐसे बोलती जा रही हूँ, और नहीं बोलती नहीं जा रही, सीरियस में सच्ची में बोल रही हूँ। आप ट्राई करके देखिएगा, देखिएगा ऐसे बना के देखिएगा, शायद आपके घर में ऐसे बनते नहीं होंगे।